स्वागत है भैया हमारी दूसरी क्लास में। पहली क्लास अगर आपने देखी होगी तो हमने प्रॉमिस किया था कि दूसरी क्लास में आपको कुछ सिखाएंगे कि कैसे लाइन खींचते हैं और कैसे शेडिंग करते हैं। तो पहली चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है प्रिंट आउट की। प्रिंट आउट अपन किए और प्रिंट आउट करके ऐसे स्टेंसिल कर लेते हैं। स्टेंसिलिंग स्टेंसिलिंग के लिए पेपर आता है, ट्रेसिंग पेपर होता है, इस तरह का ट्रेसिंग पेपर आता है। इसको ट्रेसिंग पेपर में ऐसे रख के अपन स्टेंसिल कर लेते हैं और स्टेंसिल करके ऐसे उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। इस तरह भी प्रिंट हो जाता है। और जब प्रिंट हो गया तो अपन जो है तो इसको अपन इससे चाहे डीओ यूज़ कर लिए, इसका रबर डीओ आता है, नहीं तो इस तरह की लॉक जेली आती है 2% की, दो में से कुछ भी यूज कर लिए। और जहाँ लगाना है पहले रेजर से उसके बाल साफ कर लिए, साफ सफाई कर लिए, स्टरलाइज कर लिए, उसके बाद इसको लगा दिए वहाँ पे। ये प्रैक्टिस रबर की आती है प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें प्रैक्टिस करते हैं। इसको लगा दिए और इसको जो है जैसे आपको लगाना है, जहाँ पे लगाना है, जिस एरिया में लगाना है उस एरिया पे देख लिए और वहाँ पे लगा दिए इसको ऐसा। लगाने के बाद थोड़ा सा टिश्यू लेकर इसको ऐसे प्रेस कर दिए। जब प्रेस करेंगे तो इसका जो आउटलाइन है वो आपका आ जाएगा। आउटलाइन दिख रही है ना, आउटलाइन आ जाएगा। जब आउटलाइन आ गया उसको थोड़ा सा सूखने देंगे अपन और तब तक अपनी तैयारी कर लेंगे। तैयारी कैसे करेंगे, ये मशीन हमने बताया था कि मशीन है, मशीन में हमने ये ग्रिप लगा दी थी पहले क्लास में। इसके बाद अपन इसमें एक टिप लगाएंगे, ये टिप कहलाती है। हम यूज़ इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप यूज्ड मत लगाइएगा। जब किसी को शरीर पे लगाइए तो यूज मत लगाइए, प्रैक्टिस करने के लिए चल जाती है। और यहाँ से एलन की से अपन इसको टाइट कर दिए। टाइट करने के बाद निडिल लिए, ये 5 RL निडिल है, 5 RT टिप है ये, 5 RT 5 RL, राउंड राउंड लाइनर और राउंड टिप। और इसको जो है तो यहाँ से डाले और इसकी जो ये निप्पल कहलाता है, निप्पल को फिट कर दिए यहाँ पे इस बार में, और यहाँ से रबड़ चढ़ा दिए। ये रबड़ उसी में यूज होती है, रबड़ को ऐसे चढ़ा देने से ऊपर प्रेशर बनाए रखती है तो ऊपर उछल के नहीं आती, सेफ्टी मेजर है। वैसे आती वैसे भी नहीं है। और यहाँ से खोल के इसको सेट कर दिए, कितना अपने को निकालना है, अपने को निकालना है नाखून के बिल्कुल छोटा सा नाखून के बराबर, 5 mm जानी चाहिए, 0.5 mm, इतना इतना निकालना है अपने को, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद अपन केबल लगाए, अच्छा किसी के जब शरीर में करिएगा तो ये सब चीज़ें ग्लव्स में पहन के करिएगा। जब भी किसी के शरीर पे करिए, प्रैक्टिस भी ग्लव्स पहन के करिए। अभी क्या है कि हम लगा नहीं रहे क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें इधर उधर करनी पड़ रही है तो अपन ज़्यादा इसको भी वो कर नहीं रहे, पर ग्लव्स पहन करेंगे तो हाथ गंदे नहीं होंगे। जैसे मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं ना, तो ऐसे हाथ नहीं गंदे होंगे आपके। और इंक ले लेंगे, इंक डाल लेंगे, हम इसमें इंटेंस की इंक यूज़ कर रहे हैं, जुपर, क्योंकि जुपर की लाइनिंग अच्छी आती है तो जुपर इंक यूज़ कर रहे हैं। ऐसे इंक डाल लेंगे, इंक कप में इंक डाल लिए और प्लेस कर लिए। उसके बाद अपना मशीन चालू किए,
मशीन चालू कर ली है, इतनी निकल रही है हमारी। और अपन स्टार्ट किए लाइनिंग करना। थोड़ा सा जूपर की टाइट रहती है, इसमें ज़्यादा लग जाएगा। और अपनी वैसलीन अपने साथ रखिए, वैसलीन हमेशा भी वैसलीन से पोंछने में आसानी रहती है, नहीं चमड़ी में चिपक जाएगा कलर। चमड़ी में चिपके नहीं उसके लिए, और थोड़ा आराम से, क्योंकि ये जो है इसमें रबड़ में मिट सकता है स्टेंसिल, और बाकी बस शरीर पे इतनी जल्दी नहीं मिटता, सूख जाता है। तो अपन लिए इंक और हमेशा नीचे से चालू करिए, और जिस तरफ का आपका हाथ है, जैसे दायां यूज करते हो दायां साइड से चालू करिए, और बाएं, क्योंकि अगर आप ऊपर से चालू करेंगे तो नीचे से ये मिट जाएगा। तो जब चालू करें तो इधर से चालू करें, इधर से, और एक नीचे इसके रबड़ के नीचे फ्लैट सरफेस ज़रूर लगा लें, नहीं तो वो जम करेगा। और जब चालू करें तो इधर से चालू करें, नीचे से चालू करें, जो हाथ यूज करें उधर से चालू करें और नीचे से चालू करें। सबसे नीचे जगह ये है, तो अपन सबसे पहले यहीं पे चालू करेंगे। इस तरह पहली लाइन खींच दिए हम, फिर पूरी लाइनिंग करेंगे इसको ऐसा। अच्छा, लाइन करते समय तीन चीज़ों का ख्याल रखिए कि पहली चीज़ इसमें थोड़ा दवा करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, रबड़ में प्रैक्टिस वाले उसमें, बाकी जब चमड़ी में करेंगे तो आपको खींच के करना है, दबा के नहीं करना है, नहीं तो ब्लड फेंक देगा। और थोड़ा सा इसमें कम कलर जाता है जब अपन प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका भी ख्याल रखना है। ये लाइनिंग अपन किए पूरा, और लाइनिंग एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका शरीर जो है तो तीन जगह से टच में होना चाहिए। पहला आपका जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन नीचे होना चाहिए, मतलब रिलैक्स होना चाहिए। दूसरा आपका ये पोजीशन रिलैक्स होना चाहिए, और तीसरा आपका जो ये है कोहनी, कोहनी भी रिलैक्स होनी चाहिए। हवा में रहेगी, हवा में रखेंगे ऐसे तो हिलेगा, तो इसलिए नीचे रखिए इसको हमेशा। बहुत से लोग ऊपर रख देते हैं जिसकी वजह से उनका हाथ कांपता है। इसको ऐसे लाइन कर लिए अपन, और हमेशा जब करिए तो नीचे इसके इस एरिया पे देखिए, यहाँ पे देखना है अपने को, अपने को यहाँ नहीं देखना, यहाँ नहीं देखना, अपने को यहाँ देखना है, और कहाँ टच कर रहा है वो देखना है अपने को। तो मान लीजिए कि इतना ही था, अपन कंप्लीट कर लिए। अब क्योंकि पूरा करेंगे तो आपको आधे घंटे बैठना पड़ेगा देखने के लिए। तो ये पहली चीज़ हो गई, अपन लाइन कैसे करते हैं। लाइन बढ़िया सॉलिड आ गई, लाइन अपन देख रहे हैं बढ़िया सॉलिड लाइन आ गई, और इसमें इधर भी नहीं आया कुछ। तो अगर इधर नहीं आया तो मतलब अच्छे से लाइन हुई है, नहीं तो फट जाता ही है, पतला होता है। तो ऐसे लाइन आ गई। अब इसमें भरना कैसे रहता है, जैसे अब भरने वाला है, फिलिंग कैसे होगी। तो फिलिंग के लिए तीन रूल होते हैं। पहला, साइड वेज करना है, पहला साइड वेज आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, पहला साइड वेज करना है, फिर दूसरा ऊपर नीचे करना है, और फिर तीसरा आप गोल 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 करना है, सर्किल करना है। ऐसे में आपकी फीलिंग बढ़िया हो जाएगी, एक नंबर हो जाएगी फीलिंग आपकी। और फीलिंग करते समय छोटे छोटे आप वो बना लीजिए टारगेट की, इतना से इतना करना है पहले, फिर इतने से इतना करना है, फिर इतने से इतना,
कैसे पूरा करने के चक्कर में नहीं रहेंगे। दूसरी तरह से भी होता है कि आप लाइन करके ऐसे ऐसे करो, पर वो थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ही आएगा। अगर आप शुरुआत से ही ऐसे करने लगोगे तो जब भरेंगे आप तो आपका वो कलर निकल जाएगा ऐसे राउंड 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 राउंड। और जब भरिए तो कोशिश करिए कि शेडर से भरिए, शेडर में स्किन कम पंचर होती है। ये लाइनर है जैसा मैंने बताया था, ये लाइनर है। तो इस तरह की चीज़ें करनी करना रहता है लाइनिंग और शेडिंग में। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगली बार शेडिंग का करेंगे, कल शायद तक वीडियो आ जाए, तो शेडिंग का अगली बार करेंगे। जो शेडिंग की जाती है, शेडिंग कैसे की जाती है, उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, तो अपन वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना लाइक सब्सक्राइब करे लोग चले जाते हैं, हमारी भी मेहनत थोड़ी सी दिखे। तो धन्यवाद, जय श्री राम, कल मिलते हैं।